हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एविडेंस एक्ट। अब पूरा एक्ट तो आपको अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट क्लैट के अगर पैसेजेस में कुछ भी एविडेंस रिलेटेड वर्ड्स आते हैं उनके मतलब पता होने बहुत जरूरी है, बिकॉज विदाउट डीलिंग विद द वर्ड्स यू कैन नॉट डील विद द होल पैसेज। इसलिए मैं इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज ऑफ एविडेंस एक्ट आई विल डिस्कस टूडे एज वेल एज इन सम अदर वीडियो ऑल्सो। टू पार्ट्स में हम कवर करेंगे सब चीजें। फर्स्ट वर्ड मैंने यहाँ पे लिखा है फैक्ट। फैक्ट क्या है? अब आप लोगों को नॉर्मली लगेगा कि हम सबको पता है कि जो क्वेश्चंस आते हैं, पैसेज होता है, उसके बाद जो क्वेश्चन है उसको टीचर्स रेफर करते हैं कि ये फैक्ट में लिखा है, ये फैक्ट में लिखा है। लेकिन जो डेफिनेशन ऑफ फैक्ट है वो आपको ये क्लियर होना चाहिए। व्हाट इज अ फैक्ट? फैक्ट इज एवरीथिंग, हर एक चीज फैक्ट है। अब इसमें साइकोलॉजिकल चीजें भी इंक्लूडेड है, जो लिखी हुई है, जो सुनी हुई है, जो पढ़ी हुई है, सब चीजें एविडेंस एक्ट में फैक्ट की डेफिनेशन में आती है। एवरीथिंग इज अ फैक्ट व्हिच कैन बी हर्ड, परसीव्ड, थॉट ऑफ एटसेट्रा। ठीक है, फैक्ट वो हर एक चीज है। अब फैक्ट इन इशू क्या है? फैक्ट इन इशू, फैक्ट क्या है? हर एक चीज। इन इशू मतलब जिसको कोर्ट को डिसाइड करना है, कोर्ट नीड टू डिसाइड। तो कोर्ट जिस जिस मैटर पे डिसाइड करेगा, जो जो फैक्ट इशू में है, जो डिस्प्यूटेड है, उसे हम बोलते हैं फैक्ट इन इशू। दीज आर डिस्प्यूटेड फैक्ट्स विच द कोर्ट विल डील इन द प्रीसीडिंग केसेस। ओके, फिर नेक्स्ट हम टर्म पढ़ते हैं रेलिवेंट फैक्ट। रेलिवेंट फैक्ट, अब रेलिवेंट क्या होता है? हर वो चीज जो उस केस के लिए जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, केस है किसी मर्डर का, तो यहाँ पे रेलिवेंट ये हो सकता है कि उस पर्सन ने कौन से वेपन से मारा, वो पर्सन कहाँ पे था, बट क्या उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रेलिवेंट हो सकती है? द आंसर वुड बी नो। तो कोर्ट ये बोलता है कि अंडर द एविडेंस जो एडवोकेट है वो सिर्फ और सिर्फ क्या बताए? ऐसी चीजें बताए जो रेलिवेंट है। रेलिवेंट फैक्ट्स शुड बी प्रेजेंटेड बिफोर द कोर्ट। ये चीज स्पेसिफिकली एविडेंस एक्ट में लिखी है। जो भी इररिलेवेंट वाली चीजें हैं वो कोर्ट बिल्कुल रिकॉग्नाइज नहीं करता है और कोर्ट मना कर देता है टू डील विद इट। आई थिंक दिस वर्ड इज क्लियर। फिर है डॉक्यूमेंट। अब आप लोगों के नॉर्मल नॉलेज के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट क्या होता है? हर एक वो चीज जो कहीं पे लिखी हुई है, आप बोलते हो लीगल डॉक्यूमेंट है, पेपर में लिखा हुआ। बट एविडेंस एक्ट ऐसा मानता है डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में हर वो चीज आती है जहां कुछ लिखा है, बी इट लिथोग्राफ हो कोई, या किसी से हैंकी पे भी कुछ लिखा हुआ है, टिश्यू पेपर पे भी कुछ लिखा हुआ है, वो भी डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में आएगा अकॉर्डिंग टू एविडेंस एक्ट। नेक्स्ट टर्म इज प्ली ऑफ एलिबी। इससे बहुत बार क्वेश्चन आप लोगों से पूछा भी गया है। प्ली ऑफ एलिबी मतलब क्या होता है? आई वॉज प्रेजेंट एट सम अदर प्लेस, आई वॉज प्रेजेंट एट सम अदर प्लेस। ये डिफेंस कौन लेगा? प्ली कौन लेगा? प्ली इज ऑलवेज टेकन बाय द डिफेंडेंट। डिफेंडेंट बोलता है कि जो मुझ पे एक्विजिशन लग रहा है वो ये एविडेंस देता है कि मैं उस जगह था ही नहीं। से अगर एक केस है दिल्ली में मर्डर केस, राइट, किसी पर्सन को अक्यूज किया गया है फॉर डूइंग द मर्डर, वो पर्सन अगर टिकेट्स एंड एवरीथिंग सारे प्रूफ दे दे कि उस टाइम पे ही वॉज इन कोलकाता, तो यहाँ पे ही इज टेकिंग प्ली ऑफ एलिबी अंडर एविडेंस एक्ट। वो बोल रहा है कि जहाँ पे मैं था ही नहीं वहाँ पे मैं कोई क्राइम कैसे कर सकता हूँ। अब यहाँ पे आपको लॉजिक ये लगाना है कि अगर क्राइम ऐसा है जहां पे फिजिकल प्रेजेंट होना जरूरी है पर्सन का, तो वो प्ली ऑफ एलिबाई ले सकता है। बट कुछ फाइनेंशियल फ्रॉड है या फिर इंटरनेट रिलेटेड क्राइम है तो वहां पे प्ली ऑफ एलिबाई डज नॉट मैटर, क्योंकि ऑब्वियसली इट इज अ जस्ट अ क्लिक अवे, तो पर्सन कहीं से भी बैठ के कर सकता है वो क्राइम, राइट? तो इसीलिए वहां पे प्ली ऑफ एलिबाई नहीं लगता है। नेक्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन परेड, जिसे हम टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि जब ऐसा होता है कि देयर इज सर्टन कंफ्यूजन कि किसने क्राइम किया है किसने नहीं किया है, तो सेम काइंड ऑफ सेम अपीयरेंस के लोगों को एक साथ खड़ा कर दिया जाता है और फिर विटनेस को बुला जाता है टू आइडेंटिफाई कि इनमें से कौन था। आप लोग सबने सीआईडी बहुत देखा होगा आई थिंक, तो सीआईडी में ये चीज आपने डेफिनेटली देखी होगी, बट आपको एग्जैक्ट वर्ड नहीं पता होगा कि व्हाट इज द वर्ड यूज्ड। दैट इज कॉल्ड टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, परेड मतलब एक जैसे लोगों को खड़ा करके उनमें से रिकॉग्नाइज करना है विटनेस को कि वो किस पर्सन को आइडेंटिफाई करता है कि हाँ मैं श्योर हूं कि यही पर्सन था वहां पे। आई थिंक दिस टर्म इज क्लियर।
नेक्स्ट आर टू इम्पोर्टेंट टर्म्स, एडमिशन एंड कन्फेशन। इसके रिगार्डिंग पैसेजेस भी आते हैं, आपने मॉक में भी सॉल्व किया है और आप कंफ्यूज भी बहुत ज्यादा होते हो। एडमिशन वो हर एक चीज है जो कोई पर्सन किसी को एडमिट करता है। से आई से आई एडमिट कि मैंने कैट के लिए अच्छे से पढ़ाई करी है, ठीक है। आई एडमिट कि मैंने आज मस्ती करी है, मैंने आज फोन चलाया है, एक बेसिक चीज जो पर्सन बोलता है कि ये मैंने किया है, वो सब क्या होता है, एडमिशन, ठीक है। वो एडमिट कर रहा है, एडमिशन बिफोर द कोर्ट भी करे तो वो बस एक रिकॉर्ड बन जाता है एंड नथिंग एल्स इज टू बी डन। कन्फेशन क्या होता है, कन्फेशन मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट देना जो उस पर्सन का गिल्ट प्रूव करे। अगर कोई पर्सन बोले मैं एडमिट करूं कि मैंने एक एक्स वाई जेड पर्सन को मार दिया था उस दिन, तो वो क्या होगा, कन्फेशन। क्यों? क्योंकि मेरा वो स्टेटमेंट मेरे ही अगेंस्ट कोर्ट में यूज होके और मुझे बिहाइंड द बार्स डाल सकता है, राइट। तो वैसे चीजों को हम बोलते हैं कन्फेशन, गिल्ट। अगर कोई पर्सन किसी के सामने मान रहा हो उससे हम कन्फेशन बोलते हैं। तो यहां से मैं ये एक इंटरप्रिटेशन कर सकती हूँ, ऑल एडमिशंस आर कन्फेशंस बट नॉट ऑल कन्फेशंस आर एडमिशन। क्या ये स्टेटमेंट सही है? The answer is no. Correct. यहाँ पे statement क्या होगा? All confessions are admission, but not all admissions are confession. मैंने first statement आप लोगों को confuse करने के लिए कहा था, ताकि आप एक बार test कर सके कि आपको समझ आया है meaning या नहीं। तो अगर आपने first statement सुन के mind में yes answer लिया था, तो please correct करो, वापस इस video को देखो आप थोड़ा सा back करके, ताकि clarity आ जाए। अब यहाँ पे confession जो है वो two types का होते हैं, एक होता है judicial, एक होता है एक्स्ट्रा जुडिशियल। एक्स्ट्रा जुडिशियल, ठीक है। जुडिशियल कन्फेशन मतलब होता है जो किसी मजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में हो, मजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में हो। एक्स्ट्रा जुडिशियल मतलब किसी अदर पर्सन की प्रेजेंस में हो रादर देन मजिस्ट्रेट। तो जब जुडिशियल कन्फेशन है तो इसके बेसिस पे कोर्ट कॉन्विक्शन दे देती है पर्सन को, मतलब क्योंकि मजिस्ट्रेट को ही बोल रहा है पर्सन। बस ये चीज ध्यान रखना, कन्फेशन जो होता है वो वॉलेंट्री होता है, मतलब कि ये क्लैरिटी होती है, मजिस्ट्रेट पर्सन को बताते हैं कि आपने जो बोला है कि आपको कन्फेस करना है, इसके लिए आपको सजा हो सकती है, इसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, मजिस्ट्रेट पर्सन को बताता है, उस फॉर्मेट में बताता है कि आप वॉलेंट्री कर रहे हो, किसी के डराव में धमकाव में आके नहीं कर रहे हो ये चीजें। और उसके बाद पर्सन डिक्टेट करता है उसने क्या किया था, पर्सन साइन करता है, मजिस्ट्रेट भी साइन करता है उस डॉक्यूमेंट को, फिर हम मानते हैं कि कन्फेशन पूरा हुआ है। दिस इज जुडिशियल। एक्स्ट्रा जुडिशियल में मतलब मजिस्ट्रेट के सामने पर्सन ने कन्फेस नहीं किया है बट किसी और के सामने कन्फेस किया है, तो सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा जुडिशियल के बेसिस पे कोर्ट कन्विक्ट नहीं करती है, कोर्ट को फिर अदर चीजें भी कंसिडर करना होता है। ऐसे केसेस में पुलिस के सामने अगर कोई पर्सन कुछ कन्फेस करता है, इट डज नॉट अमाउंट टू एनी काइंड ऑफ कन्फेशन। क्यों? क्योंकि देखो अगर पुलिस के सामने हम कन्फेशन मानने लग जाएंगे तो बहुत बार ऐसा होगा कि नेचुरल जस्टिस का वॉयलेशन होगा। पुलिस किसी को डरा के धमका के टॉर्चर करके कन्फेशन रिकॉर्ड करवा सकती है, राइट। तो इसीलिए अगर पुलिस कस्टडी में कोई पर्सन कुछ कन्फेस करता है तो उस स्टेटमेंट को हम सिर्फ एक मेयर स्टेटमेंट मानते हैं, एडमिशन मानते हैं, कन्फेशन की कैटेगरी में नहीं हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, ना कन्विक्शन होता है उस बेसिस पे। तो आई होप अगर आप कोई पैसेज एडमिशन एंड कन्फेशन से आएगा तो आपके दिमाग में मेरी ये सारी कही हुई बातें एकदम टेप रिकॉर्डर जैसे आ जाएंगी और आप पैसेज पढ़ोगे समझ आएगा एंड आंसर्स निकलेंगे प्रॉपरली। नेक्स्ट वर्ड हम पढ़ते हैं आज के लिए, डाइंग डिक्लेरेशन। डाइंग डिक्लेरेशन एविडेंस एक्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है। डाइंग डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन क्या होता है, कुछ कहना। डाइंग मतलब कि ऐसा स्टेटमेंट जो पर्सन बोल रहा हो वो स्टेटमेंट रेफर करे उस पर्सन की डेथ से रिलेटेड कुछ। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है, पर्सन मे और मे नॉट नो दैट ही इज गोइंग टू डाई, ठीक है। ये आपको शॉकिंग लगेगा काफी, क्योंकि जब फैक्ट आते हैं इस पर भी पैसे जाते हैं तो आप लोगों को लगता है उसको पता ही नहीं था कि वो मरने वाला है, तो हम कैसे इस स्टेटमेंट को डाइंग डिक्लेरेशन मांग ले। बट देयर इज नो सच थिंग, लॉ में लिखा हुआ है पर्सन मे और मे नॉट नो कि वो मरने वाला है, बट उसने अगर कुछ ऐसा बोला है जो उसकी डेथ की तरफ इंडिकेशन लेके जा रहा है, जो बता रहा है कि इस पर्सन की डेथ हुई है, किसने कॉज करी है, क्या सर्कमस्टेंसेस एटसेट्रा, दैट स्टेटमेंट इज कंसिडर्ड टू बी अ डाइंग डिक्लेरेशन, ठीक है। डाइंग डिक्लेरेशन को हम सही मानते हैं अनटिल कोई प्रूव कर दे कि ये गलत है। अब प्रूव करने से मुझे एक और चीज याद आई,
जो पढ़ना जरूरी है हमारे लिए वो है प्रूव्ड डिसप्रूव्ड एंड नॉट प्रूव्ड। ये जो थ्री वर्ड्स हैं ये इसीलिए जरूरी है क्योंकि जब फैक्ट आते हैं आपके पास क्वेश्चंस के तो इन वर्ड्स में कंफ्यूज होके आपका आंसर गलत आ जाता है। प्रूव्ड मतलब कोर्ट हैज एक्सेप्टेड इट, कोर्ट के सामने मतलब जब पर्सन ने कुछ बोला और कोर्ट ने वो चीज मान ली तो ऐसा होता है ना, इट वॉज प्रूव्ड बिफोर द कोर्ट, बिफोर द कोर्ट पर्सन ने प्रूव कर दिया, कोर्ट ने वो चीज मान ली है कि हाँ आपने बोला इन्होंने मर्डर किया हम मान लेते हैं इन्होंने मर्डर किया, दैट इज कॉल्ड प्रूव्ड। डिसप्रूव्ड मतलब क्या होता है, पर्सन ने बोला कि मैं बोलता हूँ इसने मर्डर किया है, जो एविडेंसेस लेके गया वो, कोर्ट बोलता है कि हम नहीं मानते, ठीक है हम नहीं मानते, हम ऐसा बोल रहे हैं कि आपने जो बोला है आपके एविडेंसेस से हम तो नहीं, हमें नहीं लगता है कि इसने मर्डर किया है। सच स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड डिसप्रूव्ड, कोर्ट ने नहीं माना है। नॉट प्रूव्ड मतलब नीदर प्रूव्ड, नीदर प्रूव्ड नॉर डिसप्रूव्ड। जिस स्टेटमेंट को अभी तक ना तो प्रूव किया गया है ना डिसप्रूव किया गया है, तो मतलब हम दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं आप उस स्टेटमेंट को, राइट? तो इसीलिए वो कौन सी कैटेगरी में आया है, नीदर प्रूव्ड नॉर डिसप्रूव्ड। फिर नेक्स्ट हम वर्ड्स पढ़ेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम एंड कंक्लूसिव प्रूफ। Conclusive proof. अब यहाँ पे देखो, जहाँ पे मे हो, मे प्रिज्यूम वाली चीजों में क्या होता है, कोर्ट का डिस्क्रिशन है कि उस चीज को मानना है या नहीं मानना है, कोर्ट मे प्रिज्यूम कि ऐसा हुआ होगा, ठीक है? तो मतलब इट इज डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट, इट इज रिबटेबल, यहाँ पे मैं लिखती हूँ रिबटेबल, मतलब जिसको पर्सन रॉन्ग प्रूव कर सकता है, से कोर्ट ने बोला, कोर्ट मे प्रिज्यूम कि मैं गिल्टी हूँ, कोर्ट ने ये मतलब प्रिज्यूम कर लिया कि ठीक है मैम ने ये काम किया है, ये क्राइम किया है। अब यहाँ पे मैं कोर्ट के सामने प्ली ऑफ एलिबाई लेके जाऊँ, अभी हमने पढ़ा था प्ली ऑफ एलिबाई क्या होता है, प्ली ऑफ एलिबाई मैं कोर्ट के सामने लेके गई, तो मैंने क्या कर दिया, रिबर्ट कर दिया, कोर्ट ने जो प्रिज्यूम किया था उसको रॉन्ग प्रूफ कर दिया, ठीक है? तो सच स्टेटमेंट सा मे प्रिज्यूम कुछ लॉज होते हैं। फिर है शैल प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम मतलब कोर्ट तो मानेगा ही, मे में कोर्ट की मर्जी है, कोर्ट चाहे तो माने मैम ने क्राइम किया है, चाहे तो माने मैम ने क्राइम नहीं किया है, लेकिन शैल प्रिज्यूम मतलब कि कोर्ट मानेगा, अगर कोर्ट के पास कोई वुमेन जाती है कि उसके साथ रेप हुआ है, कोर्ट शैल प्रिज्यूम कि वुमेन सही बोल रही है, ऐसा लॉ है। तो शैल मतलब कोर्ट तो मानेगा ही मानेगा, ठीक है? लेकिन ये भी रिबटेबल होता है, से अगर कोई वुमेन गई है एंड शी हैज सेड आई वाज रेप्ड, कोर्ट शैल प्रिज्यूम कि वुमेन सही बोल रही है, बट अगर कोई पर्सन प्रूफ लेके आ जाए कि वुमेन झूठ बोल रही है, फिर कोर्ट को मानना पड़ेगा क्योंकि कोर्ट बिलीव्स ओनली ऑन एविडेंसेस, राइट? सो इट इज आल्सो रिबटेबल, ठीक है? कंक्लूसिव प्रूफ मतलब क्या होता है कि उस चीज को क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। कोर्ट में अगर कोई पर्सन डीएनए रिपोर्ट प्रेजेंट कर दे, डीएनए इज द लास्ट रिसोर्ट, जो ये बताता है कि पैटर्नल साइड कौन है, पैटर्नल फैमिली कौन है चाइल्ड की, राइट? तो कंक्लूसिव प्रूफ क्या है, डीएनए रिपोर्ट, उसको कोर्ट भी क्वेश्चन नहीं कर सकती है, कोई और पर्सन भी क्वेश्चन नहीं कर सकता है, इट इज कॉल्ड इररिबटेबल, इररिबटेबल, ठीक है? ये चीज हो गई इररिबटेबल, कंक्लूसिव प्रूफ सर इररिबटेबल, कोई पर्सन उसको चैलेंज नहीं कर सकता है कोर्ट में, राइट? तो आज के लिए आई थिंक हम इतने ही वर्ड्स को रिवाइज करेंगे और बार बार पढ़ेंगे, इसके आगे का जो भी एविडेंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जरूर लेके आऊंगी। थैंक यू।